अस्सलाम वालेकुम गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार। तुम्हारा भाई ओमान अल गाला सबका लाला आ चुका है एक और वीडियो के साथ में। अभी मैं जा रहा हूँ गाइस नेरुल वंडर पार्क जा रहा हूँ। बहुत बड़ा गार्डन है बच्चे लोग के लिए, बड़े भी आते हैं। मैं आज आया हूँ मेरी सिस्टर की जगह पे, तो यहाँ से मुझे एक जन ने बोला कि भाई वहाँ जाके वहाँ का भी शूट ले लो। वंडर पार्क है, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, और वहाँ बोल रहे हैं लोग कि मतलब 7 टाइप के कुछ अजूबे, मतलब इंडिया के जितने भी है ताजमहल ये सब वहाँ पे मौजूद है आर्टिफिशियल, मतलब बहुत अच्छा बना है, खूबसूरत है। जाके देखते, लाइटिंग का शो होता है और भी सब लोग, क्राउड है, बहुत जगह से लोग आते हैं गाइस। चले मैं बताता हूँ, और साथ में मेरे एक भाई है, वो भी यूपी से आए, अपने भाई समीर भाई है इनका नाम। ये देखे गाइस, ये हमारे समीर भाई है, आप देख सकते हो। ये भी हमारे साथ में चले गए, तो चलिए विजिट करते हैं और वहाँ पे मैं आपको जाके सब एक्सप्लोर करता हूँ। चलिए गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस। ये मैप था टोटल, आप देख सकते हो 6.5 किलोमीटर दूर है गाइस। हम हाईवे पे अभी, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत मंजर है, सनसेट का टाइम था, और मैं खुद फ़ोन एक हाथ से पकड़ा हूँ, और आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत मंजर। और सबसे पूरे दिन का 24 आवर्स का मेरा खुद का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंजर यही रहता है सनसेट टाइम में। देखो अभी हम पहुंच चुके हैं वंडर पार्क, और हम अभी ये रोड से आए हैं, तो मेरे सिस्टर के घर से यहाँ तक के कुछ 7.5 किलोमीटर दूर था वंडर पार्क नेरुल में, और हम पहुंच चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत एंट्री बनाए ये लोगों ने गाइस, और नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पूरा देखभाल है इधर पर, तो पूरी सिक्योरिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नवी मुंबई की है गाइस। तो यहाँ हमने अभी अपनी बाइक पार्क करे एक्सेस, यहाँ से भी आप आ सकते हैं, ये भी आने का रोड है, जाने का भी रोड है गाइस। और ये अभी हम एंट्री मारेंगे, यहाँ की कितनी टिकट है, क्या टिकट है, मैं आपको बता देता हूँ गाइस। चलिए देखिए गाइस, वंडर पार्क का फेयर चार्ट है ये, आप देख सकते हो 40 रुपीज़ 50, चिल्ड्रेन एज 5 to 12 ईयर्स का कुछ टिकट है 40, अडल्ट का 50 है, और हीटेक राइडर्स पर राइड 50 रुपीज़ है। टॉयज़ वगैरह का भी प्राइस बता दिया आपको, 25 टॉय ट्रेन का 25 रुपीज़ टिकट है। पार्किंग 2 व्हीलर 4 व्हीलर स्कूल बस 10, 50, 500 पार्किंग का फेयर आपको बता रहा हूँ मैं गाइस। टिकट काउंटर ये वाला क्लोज था गाइस, तो हम यहाँ से टिकट लेके, ठीक है चलिए गाइस। टिकट हमारे को मिल चुकी है अडल्ट की, इस तरीके की टिकट आएगी आपको, ऐसा लग रहा है मैं फ्लाइट में जा रहा हूँ, बोर्डिंग पास जैसी टिकट लग रही है गाइस। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ये हमारे भाई को चेक कराने का, उसके बाद अंदर विजिट हो जाएगी गाइस। ये अपनी एंट्री है, मेन एंट्री सर, ये हमारे भाई है जो, थैंक यू सर, भी बता सर मैं भाई, ये एंट्री हो चुकी है गाइस हमारी, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत, अरे बहुत ही खूबसूरत है ये गाइस। हम लोग एंट्री कर चुके, ओह क्या ही बताओ मैं आपको, ऐसा लग रहा है बहुत अलग जगह में आ चुका हूँ गाइस। सामने लोगों के लिए फूड कोर्ट दिया गया है, चिल आउट कर सकते हो, फैमिली बच्चे लोग के साथ आए हो, कपल आए हो, हर सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत है गाइस, बाप रे बाप बता नहीं सकता। सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक जैसा मतलब प्लेग्राउंड की तरह सिटिंग रहती ना, आप फोटो सेक्शन वगैरह कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो गाइस। मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ विज़िट करो नेरुल में, मैं एड्रेस इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको आसानी से आप आ सकते हो अपने प्यारों के साथ में। बहुत अच्छा स्टैचू बना हुआ है बच्चे लोग के लिए, किताब वगैरह वाला, और मैं आपको और डिस्कवर करके बताता हूँ। ये तरफ में आपको गार्डन मिलेगा, और आज क्राउड थोड़ा कम है क्योंकि वीकडेज चालू है, वो हिसाब से वीकेंड्स में काफ़ी रहता है। अभी ये तरफ देखेंगे गाइस तो आपको सर्कल वाला झूला मिल जाएगा, मैं वहाँ भी आपको लेके चलता हूँ। चलिए गाइस, गाइस एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही फैंटास्टिक है ये, आप देखेंगे ना तो ये देख रहे हो जो दुबई में बुर्ज खलीफा में जो वाटर डांस होता है, वो यहाँ भी आपको दिया गया है। ये देख रहे हो सब मशीनें लगी है गाइस,
तो ये वाटर डांस होता है यहाँ पे। इसका टाइमिंग है कुछ रात में, क्योंकि 9 बजे क्लोजिंग टाइमिंग है इसका, तो उसके बीच के दरमियान में स्टार्ट होता है। अगर हम वहाँ तक के रुकेंगे तो आपको मैं ये भी कैच करके बताऊंगा गाइस, ठीक है। बस अभी हम लोग जा ही रहे गाइस यहाँ पे बच्चे लोग के डिपार्टमेंट में, और मेरे को लग रहा है ज़्यादा क्राउड यहीं है, ये तरफ क्राउड खाने पीने आएगा तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, और अगर चिल करना है तो सामने आप जा सकते हो। बाकी ज़्यादा क्राउड मुझे यही दिख रहा है, क्योंकि सब फैमिली वाले लोग आए इधर पे वो हिसाब से। ये देखिए, वाह, अब देखो टॉय ट्रेन, वो भी सुविधा है। और वाकई में वो देखो ऊपर दिखे, ये देखिए गाइस, वाह, बता नहीं सकता, बहुत ही हैपनिंग वाला मंजर है गाइस। ओ हो हो, ट्राई करना ज़रूरी है, एक अलग एक्सपीरियंस है, बाकी डर भी लग रहा है गाइस। चलिए मैं आपको और डिस्कवर कराता हूँ। तो मैं अजूबे की जो बात कर रहा था वो आप देख सकते हो, ये है माचू पिच्चू। आप ये देखेंगे तो कुछ हिस्टोरिकल प्लेस ये बनी हुई है गाइस, आप देख सकते हो। ये देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और एक और चलते लेके, मैं जो सात अजूबे की बात कर रहा था वो यहीं है गाइस। और ये देख सकते हो क्राइस्ट द रेडीमर, ये आप देखेंगे क्राइस्ट द रेडीमर करके, क्रिस्टो रेडिंटर, ये आप देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत मंजर है गाइस। ये देखिए गाइस, ये थर्ड, इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, चिचन इज्जा एट द माउथ ऑफ द वेल ऑफ द इज्जा। ये पूरा आपको एक डिफाइन दिया गया, आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। और ये देखिए सर, इसका स्टैचू, मतलब ये एग्जैक्टली 7 वंडर्स इधर पे आपको देखने मिल जाएंगे। और वंडर्स वंडर पार्क करके इसका ये गार्डन का नाम है गाइस, आप देख सकते हो। चलिए आपको मैं फोर्थ जगह लेके चलता हूँ। ये देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत, इसका नाम है क्लोजिम राइट, फ्लेवियन एमपी थिएटर। बहुत खूबसूरत भी डिज़ाइन किया गया है, देखिए गाइस, सब हिस्टोरिक प्लेस है। बहुत ही अच्छा, शाम वगैरह में लाइटिंग चालू होगी तो और ही अच्छा लगता है, बट अब डे में मैं खास करके आपको दिखाने आया हूँ गाइस। ये देखिए, चलिए मैं आपको फिफ्थ जगह लेके चलता हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, ये पेट्रा अल काजने, द स्टोन, द ट्रेजरी, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, और काफ़ी खूबसूरत है। देखिए गाइस, मतलब बनाने वाले ने काफ़ी बहुत नीट एंड क्लीन वर्क किया है हर एक वंडर्स का। आपको चारों तरफ से इसका दिखाता हूँ गाइस, ये सब स्टैचू हमारी दुनिया में अवेलेबल है, आज भी है। ये इनका जो स्टैचू बन रहा है, रियल में देखेंगे आप तो कुछ आपको अलग ही दिखाएगा। चलिए मैं आपको फिर सिक्स्थ वाला दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए गाइस, सिक्स्थ स्टैचू, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना गाइस। मतलब ये हम हमारे स्कूल टाइम में भी पढ़ चुके हैं गाइस, इसके बारे में डेफिनेशन भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैंने हर चीज़ फ़र्स्ट टाइम देखा। बाकी कुछ आइटम मुंबई के मेजगॉन जो गार्डन है वहाँ पर भी है अवेलेबल, बट ये मैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस, देख के कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। क्योंकि ये जो वॉल है इसकी भी गाइस, अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस में ये भी आता है, और इसके बारे में भी काफ़ी कुछ हिस्ट्री में अवेलेबल है, आप जाके गूगल कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो। द ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना बहुत ज़्यादा लंबी है गाइस, यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए मैं आपको लास्ट एंड द लीस्ट, हमारी सातवीं चीज़ के पास लेके जा रहा, आप देख सकते हो गाइस। चलिए ये देखिए गाइस, द लास्ट सेवेंथ वंडर, द ताजमहल, द क्राउन ऑफ पैलेस, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है, देख ही सकते हो गाइस। ये देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है गाइस। ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, वाह, हालांकि मैं घूमने गया था बट आगरा नहीं जा पाया गाइस, तो ताजमहल मुझे यहाँ देखने मिल गया।
बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ताज महल ऑफ आगरा। चलिए गाइज, अभी मैं आपको जितनी भी राइड्स वगैरह है वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। ये देखो, ये राइड चालू होने वाली है। ये राइड का मैं आपको नाम बता देता हूँ गाइस, एक मिनट, स्टार्ट होने वाली है गाइस। ये राइड बहुत ही ज़्यादा बड़ी गाइस है, मैं पूछ लेता हूँ। हेलो गाइस, सर सर ये राइड का नाम क्या है? रॉक एंड डिस। अच्छा, रॉक एंड डिस सर ने बताया हमको राइड का नाम है। अभी मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ, इनकी आवाज़ सर की समझ में नहीं आई मुझे। बहुत ही बड़ी राइड है गाइस ये। गाइस मैं ये तरफ भी वहाँ से घूम के आया, बट मुझे नाम नहीं दिख रहा है। रॉक एंड डिस करके कुछ बोले सर ने। अब ये राइड बस चालू होने वाली है, कुछ शिप की तरह शेप है ये राइड का। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। गाइस बहुत माफ़ी चाहता हूँ, नाम इधर सामने लिखा हुआ है, बट क्या करें, ये हमारा ये नवी मुंबई का भी सब एक ही में मिक्स करके लिख दिए। रॉकिंग डिक्स करके नाम है ये राइड का। आप देख सकते हो एज भी अवेलेबल है, अबाउ 16 इयर्स के नीचे ये राइड में नहीं जा सकते, 16 इयर्स के ऊपर ही लोग जा सकते हैं। हाइट भी चाहिए, उसके लिए हाइट भी रिक्वायर्ड है, अबाउ 4.5 फीट ऑलमोस्ट, मतलब मैं भी जा सकता हूँ और उसके अबव हाइट वाले ही जा सकते हैं गाइस, ठीक है। रॉकिंग डिक्स, अभी मैं आपको सेकेंड राइड दिखाता हूँ। चलिए सेकेंड राइड देखिए गाइस, ये सब हवा में उड़े। वाओ क्या मंजर है गाइस, देख सकते हैं आप, देख के कुछ हो रहा है क्योंकि लाइव देखने का मज़ा ही कुछ और है गाइस। बाकी आप फील कर सकते हो, आप हवा में चारों तरफ राउंड एंड राउंड घूम रहे हो। चलिए मैं ये राइड का नाम बता दूं आपको और पूछ लेता हूँ क्या टिकट है इसकी गाइस। ये देखिए गाइस, ये जो आप देख रहे हो ये राइड का नाम है स्काई विंगर अडल्ट राइड। अच्छा, इसका मैं बता देता हूँ, इसका भी सेम रूल है, एज ग्रुप अबाउ 16 इयर्स के नीचे नहीं अलाउड करेंगे, ऊपर ही चाहिए। और ये अडल्ट, ये स्लाइड का प्राइस है 16 रुपीज़। हमारे भाई बैठे इनसे आप ले सकते हो, ये ऑपरेट कर रहे हैं राइड को। 50 रुपीज़ चार्ज है ये राइड का, अच्छा है, बट भाई जिसका जिगर है वही बैठ सकता है। कम दिल वाले दिमाग वाले नहीं बैठो प्लीज़, ठीक है गाइस। चलिए मैं आपको तीसरी राइड के पास लेके चलता हूँ। ये स्काई कूपर करके राइड है, देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट बच्चे लोग के लिए राइड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे हेलीकॉप्टर अच्छे लग रहा है, स्काई कूपर नाम है। चिल्ड्रेन अगर आप बच्चे आपका और काफ़ी ऊपर तक के जाके देख सकते हो। और एज रिक्वायरमेंट मैं आपको बताना चाह रहा था गाइस, ये देखिए जो एज चाहिए वो 3 to 12 ईयर्स के अंदर ही आपका बच्चा रहना चाहिए। अबाउ 3 फीट आपकी हाइट रिक्वायरमेंट है। स्काई कूपर नाम है राइड का, आप देख सकते हो, ठीक है गाइस। बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे लोग का आवाज़ें कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। अभी मैं आपको फोर्थ राइड के पास लेके चलता हूँ। ये देखिए गाइस, जंबो जेट स्काई हाइट सर्कल, पाप रे पाप, मेरे को देख के चक्कर आ रही है क्योंकि मैं झूले वगैरह में गाइस बचपन से नहीं बैठा हूँ, और अगर बैठा हूँ तो याद है मुझे बचपन में वॉमिट वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो ये तो अपने बस का नहीं है भाई। जंपिंग जैक करा लो, कुदवा लो, वो सब चलेगा अभी भी, बट ये नहीं। आप देख सकते हो ये राइड है, ये राइड का भी लगभग 50 रुपीज़ ही टिकट है गाइस, मैं पूछ के आपको बता देता हूँ एक मिनट। ये देखिए गाइस, सबने लाइन लगाया इधर पे, और ये जो राइड है इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है स्काई व्हील। इसमें भी अच्छा, इसमें एज रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं है, कोई भी एज के लोग बैठ सकते हैं, बच्चे से लेके बड़े तक के ये राइड का मज़ा ले सकते हो आप सर गाइस, ठीक है। ये हमारे भाई खड़े, भाई क्या प्राइस की राइड है टिकट? 50 रुपीज़ भाई ने बताया टिकट है। भाई का आपका नाम? अभिषेक भाई। अभिषेक भाई से मिलिए, ये आपको गाइड कर देंगे। 50 रुपीज़ टिकट है, डायरेक्ट लाइन है। अच्छा गाई सर, ये राइड कितनी देर तक के चलती है? 3 मिनट। अच्छा 3 मिनट, एक राइड 3 मिनट तक के लगभग चलती है, अभिषेक भाई बता रहे, ठीक है, तो आप आके इन्जॉय कर सकते हो। अभी मैं और भी आपको छोटे मोटे झूले, अच्छा वो भी कवर करता हूँ, वहाँ भी बच्चे लोग का छोटा गार्डन दिया गया है, वहाँ भी देखते क्या है, मैं आपको वो भी विजिट कराता हूँ। चलिए गाइस, ये देखिए गाइस, ये प्लेग्राउंड है बच्चे लोग का, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ भी बच्चे लोग की एक छोटी सी राइड दिया गया, देख सकते हो आप गाइस। ये अच्छा, ये जो राइड का डिज़ाइन है वॉर्म बराबर, ये मैं बोलने जा रहा था इंसेक्ट की तरह है गाइस, ये वॉर्म कोस्टर करके राइड का नाम है, चिल्ड्रन राइड है। आप
आगे भी 50 रुपीज़ ही लगभग, ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ ही चार्ज है गाइस, आप देख सकते हो। और यहाँ आपको छोटे बच्चे लोग के लिए स्लाइड वगैरह दिया गया है, यहाँ छोटे बच्चे लोग थोड़ा जिमनास्टिक, इनकी बॉडी वगैरह फिट हो सकती है, ये भी आपको दिया गया है झूले में गाइस। और छोटे छोटे अलग अलग तरीके के जिमनास्टिक वर्क दिया गया जो बच्चे लोग के लिए खुश हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा पार्क है गाइस। देखिए सब फैमिली लोग आपको इधर ही मिल जाएंगे, और मैं चाहता हूँ आप एक बार विज़िट करो। ये देखिए वहाँ आपका सिटिंग ग्राउंड दिया हुआ है, ये तरफ भी आपका गाइस देखेंगे अगर आप, तो यहाँ भी आप आराम से अपने आपके बच्चे स्लाइड वगैरह जिमनास्टिक सब गेम दिया हुआ है। ये अच्छा है कि जिमनास्टिक गेम्स है सब आपको यहाँ पे मिला है, यहाँ पे एक अच्छी थोड़ी बड़ी स्लाइड है और काफ़ी माशाल्लाह सब सेफ्टी, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस। आप आराम से अब बैठ के अपने बच्चे लोग को छोड़ सकते हो, बच्चे लोग आराम से खेल सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है ये मैं आपको बोलना चाहूँगा। और देख सकते हो ना गाइस, मैंने आपको पूरा ग्राउंड मैंने आपको विज़िट करा चुका हूँ, वो तरफ क्या है चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ डीप वगैरह दिख रहा है। चलिए देखिए गाइस, ये एक तालाब है, मतलब वहाँ बैठ के आप एक अच्छा सा व्यू ले सकते हो, बातें कर सकते हो। और ये बड़े और बच्चे लोग के लिए झूले, याद है गाइस बचपन में आप सब लोग ने झूले हो, अच्छा बड़े भी, बड़े होने के बाद भी आज तक के मतलब ये जो झूले हैं आप इसकी मज़े ले सकते हो, जैसा अपन बचपन से बड़े होने तक के लेते हैं गाइस। जहाँ भी जाते बच्चे लोग के साथ में तो अपन खुद भी बच्चे बन जाते गाइस। और आप देख सकते हो देखो एक ताल, ओ हो माय गॉड, ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, वाह। ये तालाब में डक तक के छोड़े गए गाइस, ये देखिए फुल फिश रहेगी, ओ हो गाइस बहुत ही खूबसूरत तालाब है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर फिश भी है, ये देखिए बैठे इसमें देख सकते हो, देखो मैं आपको बताता हूँ गाइस, इस गौर से देखिए तो इसमें आपको फिश देखेगी, देखिए पूरा का पूरा ग्रुप है गाइस उनका, देख रहे हो गाइस आप। चलिए अच्छा वो तरफ भी कुछ है गाइस, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ भी कवर करते हैं, चलिए गाइस। अच्छा गाइस देखिए, वो देखिए गाइस टॉय ट्रेन आ रही है, स्लो है बाकी बहुत अच्छा लग रहा है देख के इसको। चलिए मैं आपको उसका करीब से दीदार कराता हूँ, क्योंकि ब्रिज दिख रहा है आप, ये ब्रिज के नीचे से ही वो गुजरेगी गाइस, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बस करीब आ चुकी है और हम उसकी इंतज़ार करते ब्रिज के, सॉरी ब्रिज के नीचे से नहीं, ब्रिज के वो पार से जाएगी, सॉरी 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 गाइस। इधर मुझे लग रहा है वाटर शो स्टार्ट होएगा शायद, आप देख सकते हो वाटर पाइप्स लगे हुए, और ये देखिए गाइस वहाँ से जाने वाला है गाइस, हो तो अच्छा। चलिए 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 आपको लेके चलते हैं, ये देखिए गाइस टॉय ट्रेन आ रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है सर, बहुत मज़ा आ रही है देख के, देखो चलाने वाले हमारे भाई फ़ोन पे बात कर रहे और ट्रेन भी चला रहे, ये देखिए गाइस टॉय ट्रेन जा रही है, और एक दो तीन चार पाँच, पाँच डब्बों की ट्रेन है ये टॉय ट्रेन, देख सकते हो गाइस, ये पूरा राउंड होके गाइस, ये पूरा वहाँ एंड होगी गाइस, एकदम एंड पे सर गाइस, ठीक है स्टेशन उतरने का टॉय ट्रेन का वहीं बनाया गया है। बहुत अच्छा लगा गाइस, कैसा लगा आपको देख के कमेंट में बताइए गाइस। चलिए लाइट्स वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी बहुत वंडर पार्क की, और सेवन वंडर आपको कैसे लगे गाइस ये भी आप कमेंट में बताइए गाइस, मैं चाहता हूँ। और ऐसी कुछ वीडियो अगर आपको देखना है गाइस तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपकी प्यार और मोहब्बत में मैं आपको और भी चीज़ दिखाऊंगा गाइस। चलिए देखिए गाइस यहाँ से टॉय ट्रेन आती है, और ये उसका ट्रैक है, सेम ट्रेन के ट्रैक की तरह है, बस ये है कि उसका बड़ा रहता है, इसका थोड़ा स्मॉल है, और ये हम अब जा रहे हैं। चलिए मैं आपको वो तरफ लेके चलता हूँ, वो सिटिंग अरेंजमेंट आपको मैं करीब से दिखाता हूँ गाइस, और उसका नाम भी है, उसका नाम है एम्फी थिएटर गाइस, इसका नाम है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, खड़े सर बताएगा, सर ये थिएटर है सर, ये क्या दिखाया जाता है सर? अच्छा रेन डांस के लिए, तो ये कब तक स्टार्ट होता है सर? ये 7:15 बजे चालू होता है। 7:15 बजे सर चालू, सर बता आपका नाम सर? मनोहर।
बीएल मनवर दादा हमारे बता चुके हैं कि 7:15 बजे स्टार्ट होता है और कब तक रहता है सर? 15 मिनट आपको ये वाटर डांस मिल जाएगा। डेली रहता है सर? डेली 365 डेज, सैटरडे संडे सब 365 डेज। अच्छा, मंडे को वंडर पार्क बंद रहता है गाइस, और 365 डेज तो नहीं बोलूंगा मैं, मंडे को छोड़ के आप आ सकते हो। 8 बजे और चालू होता है। अच्छा, 8:15 बजे दूसरा भी और उसके ऊपर और चालू होता है, मतलब ये सिटिंग अरेंजमेंट दिया है, बैठ के आप देख सकते हो, आप बैठ के देख सकते हो, ये स्टेयर बनाया गया है आगे से, ऊपर से अच्छा रहेगा दादा, ऊपर से अच्छा दिखेगा, ऊपर से अच्छा दिखेगा, नंबर आएगा ऊपर, है ना, ऊपर से मैं दिखाता हूँ, हमारे दादा बताओ ऊपर जाके लीजिए। चलिए, थैंक यू दादा, मैं आपको बताता हूँ, आइए ऊपर से हम चढ़ रहे गाइस, और बहुत ही ओ ऊंचाई से ये देखिए गाइस, मैं आपको वंडर पार्क का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही बड़ा है गाइस, बहुत ही बड़ा है दादा। ये गार्डन पूरा कितने एकड़ में बना है? 32 एकड़। ओ, 32 एकड़ में बना है ये पूरा वंडर पार्क गार्डन गाइस, 32 एकड़, आप सोच लो, बहुत ही खूबसूरत है। और यह डांस वगैरह करने के लिए आपको एक राउंड सर्कल पोल बनाया गया है, और ये देखिए सिटिंग अरेंजमेंट गाइस, डांस वाटर डांस देखने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है गाइस, ये देखिए। मैं चाहता हूँ गाइस आप लोग विज़िट करो, इधर आओ, घर वालों के साथ आओ, अपने बच्चे लोग के साथ में आओ, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस ऊपर चढ़ के। साइड में आपको स्टेयर दिया गया है, थिएटर में जैसे साइड में स्टेयर रहते, बीच में स्टेयर रहते, वैसा सेम। हम ये स्टेयर से आए थे और अब मैं एकदम टॉप में आ चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, अरे क्या ये मंजर है, बता नहीं सकता मैं आज गाइस, ये देखिए गाइस बहुत ही खूबसूरत मंजर है, वाह आपको बता नहीं सकता। ये देखिए, ये हमारे दो बच्चे लोग, हाय हाय हाय, अरे बच्चे लोग टाटा कर रहे गाइस, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत मंजर है गाइस, आप देख सकते हो, वाह। और मैं कोशिश करूँगा मैं आपको वाटर डांस दिखा के जाओ गाइस, ठीक है। ये देखिए लाइट्स वगैरह भी ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रही है गाइस, क्राउड भी काफ़ी पहले से बढ़ चुका है, मेरे को लग रहा है ज़्यादातर लोग वाटर डांस देखने आते और राइड्स वगैरह के लिए आते, जो मैंने आपको दिखाया था गाइस। और मैं दिल से बोलूँगा गाइस आप आइए इधर, बहुत पूरा दिन निकाल के आइए गाइस, नेरुल में जगह है, मैं आपको पूरा एड्रेस वगैरह दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में गाइस, बहुत ही सुकून का टाइम आप स्पेंड करेंगे गाइस, अपने घर वालों के साथ में, अपने प्यारों के साथ में, बच्चों के साथ में गाइस, आप आइए। चलिए, मैं अब डायरेक्ट आपको वाटर डांस अकेडमी वाटर डांस दिखाता हूँ गाइस, चलिए गाइस। राइड को चलते हुए वीडियो नहीं लगा गाइस, वाकई में बहुत ही डेंजर लग रही है, ये देखिए आप देख सकते हो, बाप रे बाप गाइस, रॉकिंग डिस्क, वाकई में डिस्क बहुत डेंजर राइड है गाइस, आप देख सकते हो, बहुत मजा आ रहा है गाइस। तुम्हारा भाई रुक चुका था आपको वाटर डांस दिखाने के लिए, देख सकते हो 7:15 का स्टार्टिंग टाइम है वाटर डांस का, और पूरी पब्लिक फुल हो चुकी है, देख सकते हो आप, काफ़ी पब्लिक आ चुकी है, चलो समीर भाई, काफ़ी पब्लिक आ चुकी है, देख सकते हो पूरा फुल हो चुका है थिएटर, आप देख सकते हो, देखने वाले देख रहे, आपको दिखाता हूँ, शायद सब बैठ गए, और अपन टॉप पर जाके वीडियो शूट करेंगे वाटर डांस की, क्योंकि नीचे से प्रॉपर दिखेगा नहीं, कुछ ही देर में बस स्टार्ट होने गाइज, लाइट पूरी बंद हो चुकी है थिएटर की, आप देख सकते हो कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, सिर्फ लोगों के जो भी आप लाइट देख रहे हो वो लाइट, गाइज स्टार्ट हो गया वाटर डांस, डांस स्टार्ट हो गया गाइज, क्या मंजर है गाइस, खूबसूरत, एक नंबर, क्या बात है, क्या बात है भाई, एक नंबर,
एक नंबर। पहला वाटर डांस 20 मिनट का रहता है और दूसरा वाटर डांस वो आपको 15 मिनट का रहता है, देख सकते हो गाइस आप। और ये काफी बड़ा है तो मैं छोटा शूट किया हूं, आप आएंगे लाइव आप देखो, बहुत अच्छा है। ये देखो पीछे मेरे चल रहा है गाइस, गाइस तुम्हारा भाई आपके लिए पूरी वीडियो शूट करके जा रहा है घर पे। काफी टाइम हो गया और काफी लॉन्ग वीडियो बन चुकी है, तो मैं चाहता हूं गाइस आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को करो कि मैं ऐसे कंटेंट आपके लिए व्लॉग बना सकूं। गाइस प्लीज आप साथ दो मेरा, तो मैं इससे अच्छे अच्छे आपको वीडियोस ब्लॉग बना के दिखाऊंगा गाइस। चलिए अल्लाह हाफिज़, नमस्कार सर।